प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया हूँ आपका और पंचांग जो चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज सोमवार 23 अगस्त 2021 है। विक्रम संवत 2178 शक संवत 1943 पल्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है, जो शाम को 4:30 तक रहेगी। तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 5:54 पर होगा। सूर्या शाम को 6:52 पर होगा। चंद्रोदय शाम को 7:47 पर होगा। चंद्रास्त 24 अगस्त को प्रातः 6:27 तक रहेगा, 27 मिनट पर होगा। आज सद्दिशा नक्षत्र है, जो शाम को 7:26 तक रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाभात पर नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आतिगंड योग है, जो प्रातः 8:34 तक रहेगा। तत्पश्चात सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य नक्षत्र मघा है, अशुभ समय राहुकाल है। प्रातः 7:32 से 9:09 तक इसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। हट बसित कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए इसमें कोटालें शुभ समय का इंतजार करें। आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त है। दिन की 11:58 से 12:49 इसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें वह निर्विघ्न संपन्न होगा। अमृत काल का समय है। दिन के 12:18 से 1:53 इसमें भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। पंचक आज पूरा दिन रहेंगे। जानते हैं आज का संपूर्ण राशि फल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी कार्य में ज़्यादा सोच विचार न करें। यदि कार्य करने का मन बना ही लिया है तो अवश्य अपना कार्य प्रारंभ करें। कार्य में सफलता सुनिश्चित है। पत्नी या किसी महिला से विवाद न करें। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अवश्य खरीदें, लाभ मिलेगा। लंबी यात्रा से परहेज करें, अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। गर्मी की वजह से परेशान होना पड़ सकता है। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने का मन बना रहे हैं तो सुबह सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अपना कार्य प्रारंभ करें, लाभ मिलेगा। अपने परिवार के व्यक्तियों से सामंजस्य बनाकर रखें, उत्तम रहेगा। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफ़ी समय से सोचे हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपके पड़ोसी जो अभी तक आपसे विरोध मानते थे, आज वह आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज के दिन आपको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। किसी के बहकावे में आकर विवाद न पैदा करें, जिससे आपको परेशान होना पड़ जाए। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप क्रोध के वशीभूत होकर कोई अनैतिक कार्य न कर बैठे हैं, जिसका खामियाजा भविष्य में आपको भुगतना पड़ जाए। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि रखें, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। जानते हैं अगली राशि तुला राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज लंबी यात्रा करने का विचार कर रहे हों तो अपनी यात्रा को रद्द रखें। यदि अत्यावश्यक हो तो कुछ पूर्णिका कार्य करने के पश्चात करें, बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज राजनीतिक व्यक्तियों के लिए दिन विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जिन्हें गिफ्ट या उपहार मिलने के योग बने हुए हैं। व्यापारी वर्ग का दिन सामान्य फलदायी कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि धनु राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफ़ी समय पहले कोई वस्तु वापस मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य दोपहर के बाद डमगा सकता है। लापरवाही न बरतें, तुरंत उपचार लें, यही बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि मकर राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। नशीले पदार्थों से पूरी तरह से सावधानी बनाए रखें। नशीले पदार्थों के कारण परेशान होना पड़ सकता है या धन हानि उठानी पड़ सकती है। पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता समझें। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों से भरा दिन कहा जा सकता है। अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मेलजोल बनाकर रखें, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। लापरवाही या विवाद की स्थिति की आवश्यकता नहीं है, लापरवाही या विवाद बिल्कुल न करें। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है।
आज महिला वर्ग को अपना धन संभाल के रखना होगा। चोरी जा सकता है या खो सकता है। आपके हाथ का पैसा अनावश्यक कार्यों में खर्च हो सकता है, इसलिए पूरी तरह से आज सावधान रहने की आवश्यकता होनी चाहिए सभी महिलाओं को। मीन राशि की ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94,53,555,111 पर।